से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर लिखिए इसका उत्तर। फूलों से हमें सदैव प्रसन्न रहने की शिक्षा मिलती है। वन लाइन लेफ्ट करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, इसके बाद आप प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। फल से लदी डालियां हमें क्या शिक्षा देती हैं? हमें क्या शिक्षा देती हैं? आंसर लिखेंगे इसका लदी डालियां डालियां हमें सदैव विनम्र बनने का की शिक्षा देती है। आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप वन लाइन लेफ्ट करेंगे, अब आप प्रश्न नंबर 3 लिखेंगे। दूध और पानी हमें क्या संदेश देते हैं? हमें क्या संदेश देते हैं? आंसर लिखिए आप। दूध और पानी हमें आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। आंसर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। 1 वाला मैं इरेज कर रही हूं, आप
लोगों ने लिख लिया होगा इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर करना शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर लिखिए, जब दीपक जलता है तो क्या होता है? जब दीपक जलता है तो क्या होता है? आंसर लिखेंगे आप। जब दीपक जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। तो बच्चों हमारे पार्ट 9 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आपको इन क्वेश्चन आंसर को कॉपी में करना है, सुंदर राइटिंग में सफाई से वर्क करना है आपको, और इनको लर्न भी करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियां पूरी करो, इसको आपको बुक में ही फिल करना है। हमारा चैप्टर खत्म हुआ, अब हम आगे कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।